बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेक्ट नॉलेज के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक औरत के दिल में अपने शोहर की कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत होती है और उसके खातिर अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां भी देने से नहीं कतराती। तो एक उम्दा मिसाल और एक वाकया आपके सामने पेश करता हूं, जिसे सुनकर आप मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाएंगे कि बीवी अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती है जो कभी आपने सोचा भी ना होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा, आप ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25 या 30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने ख़ानदान के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे रिश्तेदारों के, फिर अपनी दोस्तों के, पड़ोसियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपनी दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे रिश्तेदारों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे जो उसके मम्मी, पापा, शोहर और बच्चे का नाम था। तो नाज़रीन, अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। तो लड़की कश्मकश में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी और पापा का नाम भी मिटा दिया। तो नाज़रीन, तमाम लोग दंग रह गए, हैरान हो गए, लेकिन पुरसकून थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये खेल सिर्फ वो लड़की नहीं खेल रही थी, बल्कि उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 नाम ही बाकी थे, शोहर और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, एक और नाम मिटा दो। तो लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम मिटा दिया। तो प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ अपने शोहर का नाम बोर्ड पर रह गया। सब खामोश थे। तो नाज़रीन, फिर प्रोफेसर ने इसी लड़की से पूछा कि उसकी क्या वजह है कि आखिर में अपने बच्चे का नाम भी मिटा दिया, लेकिन अपने शोहर का नाम मिटाया नहीं, इसकी क्या वजह है? तो उसने जवाब दिया कि मेरा शोहर ही मुझे मेरे माँ बाप, बहन भाई, हत्ता कि अपने बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है। वो मेरे हर दुख सुख का साथी है। मैं उसको हर वो बात शेयर कर सकती हूँ जो मैं अपने बेटे, बेटी या किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी से अपना नाम मिटा सकती हूँ, मगर अपने शोहर का नाम कभी भी नहीं मिटा सकती। तो याद रखें नाज़रीन, बीवी घर की मलका होती है, पाँव की जूती नहीं होती। तो नाज़रीन, इस उम्दा मिसाल से और इस वाक़े से हमारे लिए ये सबक मिलता है, हमें ये नसीहत मिलती है, ये पैगाम मिलता है, ये मैसेज मिलता है कि औरत अपने शोहर से बेहद बेपनाह मोहब्बत करती है, उसकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ भी देने से नहीं डरती। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी बीवियों से और बीवियाँ अपने शोहरों से इसी तरह मोहब्बत करेंगी, ताकि घर अमन का गहवारा बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।